नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्रियो पैरामेट्रिक में नया कमांड सीखेंगे। दोस्तों फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा कमांड रहेगा वो कॉर्नर रिलीफ कन्वर्जन और बैंड ऑर्डर पे बेस्ड रहेगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सॉलिड पार्ट बना लेते हैं। एक एक्सक्लूड कमांड लेते हैं टॉप व्यू करके। रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके करते हैं और इसका एक हाइट हम दे देते हैं सपोज 120। ओके करते हैं। इसके ऊपर एक और सरफेस एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ओके करते हैं और इसका हाइट हम लोग ये रखते हैं 100। ओके करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं शीट मेटल में। इसको हॉलो कर लेते हैं टॉप फिगर, शेल करके थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं सपोज 3। ओके करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जो है इस फिगर का आपका यहाँ पे फ्लैट पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये क्रिएट करने के लिए नहीं देगा दोस्तों, तो इसका एक उपाय है हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी सारे ऑप्शन यहाँ पे ये हम लोग ने रिप में पढ़ चुका था, तो यही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज रिप लेंगे हम लोग दोस्तों। एज सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। कंट्रोल प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे ये वाला में, सेकंड वाला में, इसमें हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट और कंट्रोल प्रेस करके सेकंड पॉइंट, प्लेसमेंट में जाके यहाँ पे फिर से रिप कनेक्ट में न्यू कर लेंगे। चारों कोना का उसी तरह हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। चारों कोनों का हो चुका है, यहाँ ओके कीजिए। अगला यहाँ पे आता है आपका एज बैंड। तो ये अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बैंड ऑलरेडी मेरा प्रोवाइडेड है। ओके कर दीजिए। इसके बाद आता है मेरा कॉर्नर रिलीफ। ठीक है, तो हम ये यहाँ से अगर देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो बाहर वहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ वाला हम लोग देखेंगे। इसको ओके करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग कॉर्नर रिलीफ देंगे क्योंकि ये हम लोग को ऑप्शन कवर भी करने हैं। ये हो गया कन्वर्ट। अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें। अब सपोज यहाँ पे फ्लैट पैटर्न हम क्लिक करते हैं। देखिए आपका ये हम लोगों ने कन्वर्जन के यूज़ से जो नॉर्मल मेरा सीट मेटल जो था आपका, जो पहले नहीं आ रहा था आपका, ये अभी फ्लैट पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका दोस्तों। तो ये मेरा कन्वर्जन कमांड का यूज़ होता है दोस्तों। चलिए अब मुझे यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ प्रोवाइड करना है, जो कॉर्नर वाला पार्ट है आपका सपोज ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ पे कॉर्नर आपका ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देखिए वी नोच। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ से सपोज सर्कुलर देना है, आप सर्कुलर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शंस में चल रही है यहाँ पे पब्लिश में। इसको अगर बढ़ाना घटाना है तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है
यहाँ पे सर्कुलर चाहिए या स्क्वायर चाहिए, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके कर लीजिए, ये आपका हो गया। अब देखिए फ्लैट पैटर्न में चल रही है, ये आपका फ्लैट पैटर्न हो गया। तो ये कंप्लीट था आपका कन्वर्जन और कॉर्नर रिलीफ दोस्तों। अब अगला आता है मेरा बैंड ऑर्डर, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा बैंड ऑर्डर का, मतलब अल्टीमेटली आपको दिखाना है इसमें कि जो भी हम मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाएंगे ये वाला मेरा प्लेन शीट, वो कैसे कैसे बेंड होगा, ठीक है। तो वो आपको दिखाना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बेंड कहाँ से करना। सपोज हम फर्स्ट ये वाला ले लिए, सेकंड ये वाला ले लेंगे, उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, फोर्थ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, फिर ऐड सीक्वेंस ऐड कर लीजिए। अब यहाँ वाला हम लोग करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। फिर से एक सीक्वेंस और ऐड कर लीजिए। अब अंदर से करना पड़ेगा, फर्स्ट मेरा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और यहाँ पे ओके करते हैं। तो देखिए फाइनल आपका ज्योमेट्री जो है आपका ये बन चुका है, और हम बैंड ऑर्डर भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, मतलब उसी बैंड ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है आपका मैन्युफैक्चरर जो है आपका वो बनाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल ओपन कीजिए, यहाँ पे ड्राइंग वाला ओपन कीजिए, ओके कीजिए, ये मेरा बन चुका है ड्राइंग। अब क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक मिनट, इसका मॉडल भी हमको देखना पड़ेगा, एक मिनट, शो मॉडल एनोटेशंस में जाइए, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी सेलेक्ट ऑल करके अप्लाई कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, इसी तरह इसका भी सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल अप्लाई, और तो कुछ है नहीं, कैंसिल कर लीजिए, उसी तरह इसका कर लीजिए ताकि सारा जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपका आ जाए, अप्लाई कीजिए और ओके कैंसिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारा जो ज्योमेट्री का आपका लेंथ ब्रेथ हाइट ये था सभी आ गया। उसके बाद जो देखे आपका यहाँ पे जो बैंड ऑर्डर हम लोगों ने दिया था वो यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं, उठा के यहाँ पे हम लोग यहाँ ले आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 4 बैंड, ठीक है, बैंड 1 2 3 4 बैंड डायरेक्शन शॉर्ट हो गया, बैंड एंगल हो गया आपका, इनसाइड रेडियस हो गया और बैंड लेंथ हो गया। तो आप ये डिटेल देख के भी यहाँ से आप इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो यही आपका बैंड ऑर्डर था और बैंड का सीक्वेंसिंग था दोस्तों, ठीक है। तो होप ये जो आपका कंप्लीट डायग्राम दोस्तों आपका बैंड ऑर्डर वाला आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब आइकन पे क्लिक करें, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।